फिल्म रिलीज से एक दिन पहले लीक हुई ब्रह्मास्त्र की पूरी कहानी। सोशल मीडिया पर कहानी के लीक होने से ब्रह्मास्त्र को लगा तगड़ा झटका। बायकॉट ट्रेंड के बीच फिल्म को उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र की पूरी कहानी के बारे में। दरअसल 9 सितंबर को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले फिल्म की पूरी कहानी सोशल मीडिया पर लीक हो चुकी है और इस बायकॉट ट्रेंड के बीच लोग इस कहानी को बिल्कुल भी पसंद करने को तैयार नहीं है। तो इससे पहले हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर इस फिल्म का विरोध सोशल मीडिया पर क्यों किया जा रहा है। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि इससे पहले कई फिल्मों का विरोध किया जा चुका है, जिसमें आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी शामिल रही है। और 180 करोड़ की बजट में बनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई और वो महज 50 से 60 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई, जिससे फिल्म की लागत भी नहीं निकल पाई है। और इसी विवाद के बीच आलिया भट्ट ने बायकॉट करने वालों का भयंकर मजाक बनाया था, उन्हें मूर्ख बताया था और ये कहा था कि वो अपनी फिल्मों को देखने के लिए लोगों से नहीं बोलती हैं, अगर मन करे तो फिल्म देखने जाइए, ना मन करे तो ना जाइए। इसके साथ ही साथ रणबीर कपूर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर रणबीर कपूर को ये बोलते हुए सुना जा सकता है कि रणबीर बोलते हैं कि उन्हें बीफ खाना ज़्यादा पसंद है। और ऐसे में हिंदूवादी संगठनों का ये आरोप है कि रणबीर कपूर ने गौ माता का अपमान किया है। और ऐसे लोग जो बीफ खाना पसंद करते हैं, जो भारतीय रीति रिवाजों के खिलाफ है, हम उनकी फिल्मों का बहिष्कार करते हैं। तो इन पूरी बातों के बाद इस फिल्म का बहिष्कार तेज हो गया है और अब फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है। उससे पहले फिल्म की कहानी सोशल मीडिया पर लीक हो चुकी है। तो चलिए हम आपको उस पूरी कहानी को बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बता दें कि फिल्म में आलिया ईशा नाम की लड़की का किरदार अदा कर रही हैं, जो हाथों से आग बरसाती है। वहीं अमिताभ बच्चन शिवा के गुरु यानी कि रणबीर के गुरु का किरदार निभा रहे हैं। नागार्जुन फिल्म में एक पुरातत्ववेत्ता का रोल अदा कर रहे हैं, जिसका सिद्धांत वाराणसी के पुराने मंदिरों को दोबारा जीवित करना है। लेकिन सभी अपना मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ एक चीज की तलाश करते हैं, जो है भगवान का शस्त्र यानी कि ब्रह्मास्त्र। कई साल पहले ये शस्त्र टूट गया और इसके टुकड़े पूरे देश के विभिन्न भागों में जा गिरे। अपनी शक्तियों से सभी इसकी तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन फिल्म का पहला भाग रणबीर यानी शिव की कहानी पर आधारित है, जिसे अपनी शक्तियों का पता नहीं होता है और बाकी सभी किरदार उन्हें उनकी शक्तियों का आभास करवाते हैं। बता दें कि फिल्म में मौनी रॉय और सौरभ गुर्जर विलन के रोल में नजर आएंगे, वो भी दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्रह्मास्त्र की खोज में जुट जाते हैं। कुल मिलाकर फिल्म की पूरी कहानी अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई होगी। कहीं ना कहीं जिस तरह हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स में अच्छे और बुरे के बीच की जंग को दिखाया गया था, कुछ इसी तरह ब्रह्मास्त्र की स्टोरी लाइन भी है। फिल्म में शाहरुख खान भी कैमियो रोल में नजर आएंगे, वो ब्रह्मास्त्र की कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्राफिक्स और VFX पर भारी मात्रा में काम किया गया है और जबरदस्त पैसा खर्च किया गया है। अयान मुखर्जी ने इसके विजुअल्स को अच्छा बनाने की बहुत कोशिश की है, हालांकि विरोध को देखते हुए, बायकॉट ट्रेंड को देखते हुए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की तरह अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र को भी बायकॉट ट्रेंड का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में? क्या ये फिल्म आप बायकॉट करेंगे या फिर इसे देखने जाएंगे? क्या आलिया और रणबीर कपूर पर लगने वाले आरोपों को आप सच मानते हैं या उसे सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मानते हैं? आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।